हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवि शर्मा और मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ और ये आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो कोई कमी रहेगी शायद, तो देख लेना। और सोचा कि आप लोगों से बात करेंगे यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि आजकल ये व्लॉग एक पैशन सा बन गया है लोगों का, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं अलग अलग जगह जो हमारे एरिया में पड़ती हैं, और मैं आपको व्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जहां मैं अभी खड़ा हूं, यहां से मेरा घर पीछे ही है, 100 मीटर ही पड़ता है। और मैं अपने यहां पर मंदिर में आया था, एक घर के पास मंदिर है, तो आपको ये मंदिर दिखाता हूँ कैसा है। हम यहाँ पर पूजा करते हैं हर वीरवार को, और आज बहुत ही खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं व्लॉगिंग वीरवार को स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये मेरे बाबा पीर जी हैं, ये इनका मंदिर है, आप देख सकते हैं। अंदर से दिखाना चाहूँगा, अंदर से ये ऐसा मंदिर है हमारे बाबा पीर जी का। तो आप सबने मंदिर तो देख लिया। और यहाँ पर ये केले का पेड़ खड़ा है जिसको कल्पतरु भी कहते हैं। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और ये ही मेरा घर है सामने की तरफ। और बाड़े में जाना है, कसी लेकर जाना है, ठीक है। तो कसी लेकर चलते हैं बाड़े की तरफ, तो कसी उठाकर चलते हैं। दोस्तों इस ग्रामीण जीवन का पैशन कृषि ही है, और हमारे भारत की 54% जनसंख्या कृषि पर ही आधारित है, हम उन्हीं में से एक हैं। और अब जा रहा हूँ बाड़े की तरफ और ये कसीदे आते हैं, तो चलिए मिलते हैं आपको वहीं पर। तो अब मैं पहुँच गया खेत में, मन किया तो मैं खेत में चला आया। मैंने सोचा कि दिखा दूँ हमारे गांव के खेत कैसे होते हैं। देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, क्योंकि अभी गेहूँ बोई थी तो ये बहुत ज़्यादा हरी हो चुकी है। और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको हर चीज़ जो हमारे खेत में है। और ये सामने देखो, ये हमारा किला है, ये हमारे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, आधे हमने कटवा दिए हैं और आधे ये बचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा है, और ये हमारा अमरूद का पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस रास्ते से जाना होता है जहाँ पर हमारा ट्यूबवेल है, जहाँ से इन फसलों में पानी आता है। अब आपको ले चलता हूँ हमारे पूर्वजों के पास, जहाँ हम इनकी पूजा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज इस व्लॉग में पूजा के दो स्थान दिखाए गए हैं, तो मैं बता दूं कि हमारा अस्तित्व इन बिना कुछ नहीं है। ये आगे हमारा ट्यूबवेल है, अगर आप थोड़ा और मेरे साथ टिके रहेंगे तो वहाँ तक भी आपको ले चलेंगे, तो चल रहा हूँ अभी। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने ट्यूबवेल पर पहुँच चुका हूँ, और खेत की हरियाली ने मुझे तंदुरुस्ता कर दिया है। अभी तक मैं नहाया तो नहीं हूँ। हमारे गांव की एक खास बात है, मतलब गांव होते हैं ना, जो भी हरियाणा में गांव होते हैं उनमें हरियाली कुछ ज़्यादा पाई जाती है। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और ये कहाँ गया, ये ट्यूबवेल है। और अभी तक हमने होदी नहीं बनवाई, जो ये ट्यूबवेल अपना पानी होदी में फेंकता है, हमारे पास तो खड्डा ही है अभी। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, और आप थोड़ा देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ में लय नहीं बन पा रही है, ताल नहीं बना पा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी कट कट हो रही है, तो काटनी पड़ती है, एक बार में कोई परफेक्ट नहीं बन जाता। और आप जैसे दोस्त अगर साथ देंगे तो अच्छा माइक होगा, अच्छा कैमरा होगा ना, आवाज़ कटेगी, आवाज़ भी अच्छी पहुँचेगी आप लोगों के साथ। तो आप मेरा साथ देते रहिए और मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा जहाँ तक मैं घूम सकता हूँ, ठीक है। और ये पूरे के पूरे खेत हमारे हैं, ठीक है। और भाई और क्या दिखाने लायक बचा है, अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। अभी के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।